के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज फिर फिजाई आलूदगी में इजाफा देखा गया। दिल्ली के ITU, गाजीपुर और अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी दर्ज की गई है। इन इलाकों में हवा का मेयार संगीन जुमरे में दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ITU में AQI 241, लोधी रोड पर 151, RKpuram में 249 दर्ज की गई है। तो जैसे जैसे सर्दी करीब आती है, वैसे वैसे दिल्ली की हवा खराब से खराबतर होती जा रही है। दिल्ली में आज फिर फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है और पराली जलाने को लेकर हम देखते हैं कि रियासती सरकार और दिल्ली सरकार के दरमियान टकराव के हालात हमेशा दिखाई देते हैं। और इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर AQI क्या कुछ कह रहा है। एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे विनीत से, जो कि दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विनीत, आप दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली की हवा क्या कुछ कह रही है आज? निश्चित तौर पर सना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दिल्ली की हवा के बारे में बात करें तो खराब क्वालिटी की जो हवा है वो अभी हवा है। PM2.5 के बारे में बात करें या PM10 के बारे में बात करें, दोनों की जो क्वालिटी है वो खराब है, क्वालिटी की हवा है। लेकिन लगातार दिल्ली सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि एक उच्च एक जो बड़े स्तर पर प्रयास किया जाए और दिल्ली की जो हवा है उसे ठीक किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों योजना बना रही है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल वे जो है वो दिल्ली के चारों ओर बनाया गया है, जिससे लगभग 60,000 गाड़ियां जो है वो दिल्ली में आने से रुक रही हैं। इसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन को लेकर के कई नियम बनाए गए हैं, कई फॉर्मूले बनाए गए हैं। साथ ही साथ में जो लोगों से अपील की गई है कि वो वाहनों का कम प्रयोग करें, इस तरह के कदम जो है वो उठाए गए हैं। इसके साथ ही साथ में जो दिल्ली सरकार है वो भी छिड़काव के बारे में बात कर रही है, वो पानी के छिड़काव की बात कर रही है, रेड लाइट पर गाड़ी को रोकने की बात कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो जो है वो छोटी दूरी की जो दूरियां हैं वो पैदल चले, गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करें। जहां तक एक बात यहां पर, एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक पराली को लेकर के बात की जा रही है तो हमने केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय में से बात की थी, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी बात की थी, तो उनका कहना था कि हालिया दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे पराली के प्रयोग से और पराली के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। लगभग 1700 करोड़ रुपए का मशीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसे बायो कंपोस्ट बनाया जा सके, पराली के प्रदूषण को कम किया जा सके। और आज की स्थिति यह है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें लगभग 4% ही पराली का भी योगदान है, तो बाकी के जो अन्य कारक है उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। जी, सरकार की तरफ से कई इकदाम किए जा रहे हैं और हमेशा हम देखते हैं कि दिल्ली में जब हवा बहुत खराब होती है तो कई तरह के इकदाम उठाए जाते हैं, जिसमें से एक अहम है ऑड एंड इवन का फॉर्मूला। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत, और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़े।